राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, इस मामले में कराई शिकायत दर्ज। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। इसी बीच बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जनसभा में झूठ बोलने और बीजेपी पर बेबुनियादी आरोप लगाकर बदनाम करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनावी रैली में राहुल गांधी बीजेपी पर बुनियादी आरोप लगाते हैं, ये बार बार संविधान खत्म करने को लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं जो बिल्कुल आधारहीन है। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र राणा आज आपके लिए राहुल गांधी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। देखिए, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। केंद्र विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वास्थ्य प्रभार अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार से मिलकर उनको बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 6 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान एक बार फिर झूठ बोला। उन्होंने राज्य को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा रहने का प्रयास किया। उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने झूठे और आधारहीन आरोप लगाते हुए बोला कि बीजेपी संविधान को नष्ट करने वाली है। उनका ये कथन झूठ है। उन्होंने कहा कि हमने निर्वाचन आयोग से कहा है कि इसे रोका जाना चाहिए। हमने आयोग से यह भी कहा कि राहुल गांधी ऐसा करने के आदी हैं। चेतावनी नोटिस के बावजूद वे ऐसा करने के बाद नहीं आ रहे हैं। हमने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ BNS की धारा 353 के तहत FIR दर्ज की जाए। कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से नई दिल्ली में मुलाकात की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के समक्ष गंभीर चिंताएं जताई हैं और 8 शिकायत दर्ज की हैं। इन सभी शिकायत को वैध माना गया, जिसमें से कुछ विशेष रूप से गंभीर थी। आयोग ने कुछ विज्ञापनों को लेकर बीजेपी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। इन घटनाओं को स्वीकार करते आयोग ने भाजपा द्वारा विभाजनकारी राजनीति के एक पर्यटन को स्वीकार किया और कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। बता दें, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डालने जाएंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, NCP को 54 और कांग्रेस को 44 सीट मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना NDA से अलग हो गई, उससे NCP कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। तो ये थी अपडेट राहुल गांधी से रिलेटेड। जो राहुल गांधी हैं वो बीजेपी के खिलाफ गलत बोल रहे हैं, जिसके कारण FIR दर्ज करने के लिए भी तक भी कहा गया है, धारा 353 के तहत। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को करें फॉलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।